ठीक है। हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी पार्टिकल है तो कैसे डिके करता है, डिसइंटीग्रेट करता है। जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल में डिसइंटीग्रेट करता है। तो अल्फा पार्टिकल के बारे में हम लोगों ने देखा था और बीटा पार्टिकल के बारे में हम लोग देख रहे थे। बीटा पार्टिकल में दो तरीके का पार्टिकल निकलता है, एक बीटा निगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव। बीटा निगेटिव हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे थे उनको हम लोग बीटा निगेटिव बोलते हैं, न्यूक्लियस टूटने से जो बनता है, और पॉजिट्रॉन के लिए बीटा पॉजिटिव बोलते हैं। तो बीटा निगेटिव के लिए हम लोग लिखे थे इक्वेशन न्यूक्लियस का कि बीटा निगेटिव में एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में बदल जाता है और इस वजह से एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है, लेकिन मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कंबाइनली कहते हैं। तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल भी गया तो मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। साथ में एक इलेक्ट्रॉन प्लस बोले थे कि इसमें एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, जो एनर्जी डिस्क्रिपेंसीज थे उसके वजह से बोला गया कि इसमें कोई ना कोई एक पार्टिकल और भी निकल रहा होगा। और उस पार्टिकल को लोगों ने क्या, पॉली ने कहा कि एंटी पार्टिकल्स निकलते हैं फोटोन एनर्जी की तरह होता है और बीटा निगेटिव में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट देख रहे हैं बीटा पॉजिटिव। ठीक है, बीटा पॉजिटिव डीके, बीटा पॉजिटिव डीके में हमारे पास क्या मिलेगा? बीटा पॉजिटिव डीके में हमको पॉजिट्रॉन मिलेगा, यानी कि किसी से भी कोई भी रिएक्शन हो रहा होगा तो हमको एक पॉजिट्रॉन डीके होता हुआ दिखेगा। ठीक है, पॉजिट्रॉन को हम लोग कैसे लिखेंगे? 3+1 0, चार्ज +1 का होगा, मास नंबर 0 होगा, या फिर β+1 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फिर से वैसे ही एक्स है, जेड है, ए है, ये बीटा पॉजिटिव डीके है, तो हमको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर हम दोनों तरफ बैलेंस करेंगे तो यहाँ अगर वाई मिल रहा है तो वाई के पास देखो तो जेड जो होगा एक कम होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, कम होगा, ये यही रहता है और साथ में इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है, इसके लिए ये रिएक्शन होता है। ठीक है, बीटा माइनस में ध्यान देना कि यहाँ पे प्लस था, इस केस में यहाँ पे माइनस। ठीक है, यानी कि इसमें अगर न्यूक्लियाई का रिएक्शन का बात करें, यानी कि रिएक्शन इन न्यूक्लियस जो हो रहा होगा, इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या हो रहा होगा, तो न्यूक्लियस में दिख रहा है कि एक प्रोटॉन घट गया, यानी कि एक प्रोटॉन जो होता है इसमें एक न्यूट्रॉन में बदल जाता है। तो एक प्रोटॉन अगर एक न्यूट्रॉन में फॉर्म कर गया, यानी कि एटॉमिक नंबर उसका एक घट जाएगा, क्योंकि जेड एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी न्यूक्लियाई में एक प्रोटॉन जो था वो चेंज होके न्यूट्रॉन में बदल गया, यानी कि उसमें से प्रोटॉन जो है उसकी संख्या एक घट गया, तो वही लिखे हैं कि जेड था वाई में z-1 हो गया। साथ में और क्या लिख रहा है, तो पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, तो रिएक्शन जो हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर वो ये रिएक्शन हो रहा है, यानी कि एक प्रोटॉन जो है एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो बीटा माइनस में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, इसमें एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, यानी कि इस केस में देखते हैं तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इंक्रीज कर गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिक्रीज कर गया। तो यहां से अगर हम n/z रेशियो का बात करते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को z बोल रहे हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को n, तो n/z रेशियो, तो नीचे वाला टर्म बढ़ रहा है, ऊपर वाला घट रहा है, तो और डिक्रीज कर गया। ठीक है, n/z रेशियो इसमें और डिक्रीज कर गया है। इस केस में अगर हम देखेंगे तो n/z रेशियो, तो देखो n बढ़ रहा है, z घट रहा है, तो ये इंक्रीज कर जाएगा n/z। ठीक है, क्यों बता रहे हैं अभी हम
इस चीज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे अगर हम डेल्टा एम का बात करें, साथ में क्यू वैल्यू तो रहेगा ही, तो क्यू वैल्यू के लिए अगर हम डेल्टा एम का बात करें तो यहाँ पे डेल्टा एम लिखेंगे तो आता है एम एक्स माइनस एम वाई माइनस टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इकलौता ऐसा रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन के मास को भी हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये एनर्जी जो आ जाएगा हमारा डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो डेल्टा एम जो होगा इसमें ये चीज हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है, अल्फा वाले में आया था एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम ऑफ अल्फा, बीटा माइनस में सिर्फ एम एक्स माइनस एम वाई था, इसमें एम एक्स माइनस एम वाई माइनस टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम, ठीक है, ये डेल्टा एम। और इसमें अगर हम सी स्क्वायर से मल्टीपल कर देंगे तो हमको एनर्जी मिल जाएगा। अभी इस चीज को सी स्क्वायर नहीं यूज करके हम लोग 931.5 इंटू डेल्टा एम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम यूज कर सकते हैं। ये था हमारा डीके। एक छोटा सा और है, के कैप्चर नाम से कुछ कुछ समझ में आ रहा है, के यानी के सेल से रिलेटेड है और कैप्चर कुछ ना कुछ जो है इसमें कैप्चर हो जा रहा है न्यूक्लियस, यानी कि रेयर प्रोसेस है, बहुत ही रेयर प्रोसेस है, बहुत ही कम न्यूक्लियाई जो है इस प्रोसेस को शो करते हैं। हेलो, हेलो, यस सर। के कैप्चर जो है वो बहुत ही रेयर प्रोसेस है, बहुत कम न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑफ के सेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑफ के सेल जो होता है वो कैप्चर हो जाता है न्यूक्लियस में, गेट्स कैप्चर टू न्यूक्लियस, ठीक है। या कह सकते हैं न्यूक्लियस कैप्चर्स इलेक्ट्रॉन ऑफ के सेल, यानी हैवी न्यूक्लियस उसके के सेल, यानी कि जो सबसे लोएस्ट सेल, जो सबसे स्टेबल सेल हम लोग बोलते हैं, उसमें का इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है कैप्चर हो जाता है। जैसे अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये के होता है, फिर एल होता है, तो इसमें का इलेक्ट्रॉन को इसने कैप्चर कर लिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में चला गया। तो सोचो यहाँ पे हमको मिल जाएगा वैकेंसी, यहाँ वैकेंसी जैसे मिला वैसे ही ये हायर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है इस पे छलांग लगाएंगे, और छलांग लगाएंगे तो कुछ ना कुछ हमको मिलेगा रेडिएशन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस में चला जाता है, तो ये इसका इक्वेशन क्या होगा, न्यूक्लियस में गया तो इलेक्ट्रॉन, अगर न्यूक्लियस में गया तो वहां पहले से प्रोटॉन बैठा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन वहां पे चला गया, तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वन, मास नंबर वन लिखते हैं, ठीक है। खैर यहाँ पे उसका उतना जरूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन जब आपस में मिलता है तो हमको क्या बनता है, न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन मिलता है, ठीक है। यानी कि इस केस में हमको दिख रहा है कि एक प्रोटॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर न्यूट्रॉन में बदला, और न्यूट्रॉन जब बनता है तो साथ में निकलता है न्यूट्रिनो, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, जब भी न्यूट्रॉन बनेगा तो साथ में बनेगा न्यूट्रिनो। तो ये होता है के कैप्चर का रिएक्शन। इस केस में भी हमको दिख रहा है कि जिस भी न्यूक्लियाई में हुआ हो, जो कोई भी न्यूक्लियाई में अगर हुआ हो, जैसे कि अगर एक्स जेड ए ले रहे हैं, इसमें से हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गया है, के सेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो कैप्चर हो गया है, तो हम इधर लिख रहे हैं प्लस इलेक्ट्रॉन, तो हमको क्या मिलेगा, वाई, वाई में एक प्रोटॉन की संख्या कम है तो जेड माइनस वन, ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, साथ में न्यूट्रॉन। तो ये इसका रिएक्शन होगा।
यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि एक जेड वैल्यू कम हो गया है और एन का वैल्यू बढ़ गया है, यानी एन बाई जेड वैल्यू इंक्रीज हो गया है। ठीक है, एन बाई जेड वैल्यू जो है बढ़ गया है। ठीक है, ये चीज आया तो ये सब हमको मिलते हैं डिकेज, जो कि हम लोग अगर रेडियो एक्टिविटी सबस्टांस है तो उसमें से जो रेडिएशन होता है तो उस रेडिएशन से हमको ये सब चीजें मिलते हैं, यानी क्या तो अल्फा पार्टिकल टूट के निकलता है, बीटा पार्टिकल निकलता है, या फिर गामा रेडिएशन होते हैं, या फिर के कैप्चर है, के कैप्चर है ये भी गामा ही देता है। ठीक है, एनर्जी मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो एनर्जी हो वहां वाली एनर्जी जो है ऑर्बिट पे चला जाता है, तो मोस्टली जो होता है गामा के फॉर्म में होता है, क्योंकि हैवी न्यूक्लियाई या हाइड्रोजन टाइप के न्यूक्लियाई नहीं है, तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है, तो ज्यादा एनर्जी गामा रेडिएशन में चला जाता है, गामा रेंज में चला जाता है। ठीक है, तो एन बाई जेड रेशियो इस केस में इंक्रीज कर रहा है, तो हम हर केस में एन बाई जेड रेशियो बोल रहे हैं। उसका रीजन है कि हम लोग पढ़े थे स्टेबिलिटी कर्व, ठीक है, हम लोग पढ़े थे स्टेबिलिटी कर्व, और स्टेबिलिटी कर्व ऐसा कुछ आया था, इधर एन इधर जेड, और ऐसा जिसको हम बोले थे कि स्टेबिलिटी बेल्ट है। ठीक है, ऐसा कोई कर्व है नहीं, बल्कि इस रीजन से जो है इस रीजन में जो भी एलिमेंट होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी बेल्ट है, यानी कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो न्यूक्लियस है, वो सारे स्टेबल हैं। तो कुछ न्यूक्लियाई इधर भी है, कुछ न्यूक्लियाई इधर भी है, इसको हम रीजन वन बोल रहे हैं, इसको रीजन टू बोल रहे हैं। ठीक है, तो रीजन वन वाले मॉलिक्यूल्स भी हैं, रीजन वन वाले मॉलिक्यूल्स का अगर हम बात करें तो हियर n is greater than z है। ठीक है, ध्यान से देखो, तो z value के corresponding अगर यहाँ पे हम कोई molecule का बात कर रहे हैं तो n value ज्यादा है, यानी कि n by z जो है इसका ज्यादा होगा, तो इसको अगर stable होना है, यानी कि for stability, ठीक है, इसको अगर स्टेबल होना है तो n by z रेशियो घटाना पड़ेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को घटाना पड़ेगा, ये चीज करना पड़ेगा इसके लिए। रीजन वन में जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी न्यूक्लियाई है रीजन वन में, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू z, यानी एटॉमिक नंबर, यानी मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इधर स्टेबिलिटी के लिए n बाई जेड रेशियो को घटना पड़ेगा, यानी कि न्यूट्रॉन को घटना पड़ेगा, प्रोटॉन को बढ़ना पड़ेगा। ये किस केस में हो रहा है? पहला केस था, न्यूट्रॉन को घटना पड़ रहा है और प्रोटॉन को बढ़ना पड़ रहा है, यानी कि इस केस में स्टेबिलिटी के लिए ये जो पार्टिकल शो करेगा वो क्या करेगा, तो बीटा माइनस डी। ठीक है, इस रीजन में जो भी न्यूक्लियाई होगा वो क्या शो करेगा, तो बीटा माइनस डीके, क्यों? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। रीजन टू में रहेगा, तो रीजन टू का अगर देखा जाए तो इसमें जेड एन बाई जेड रेशियो का बात कर रहे हैं, तो एन बाई जेड रेशियो एज कंपेयर टू स्टेबिलिटी, ये चीज जो होगा कम होगा, क्योंकि जेड का डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमिनेटर कम है, ज्यादा होगा, तो इसको बढ़ना पड़ेगा इस रेंज में आने के लिए, इस बेल्ट में आने के लिए इसको बढ़ना पड़ेगा, यानी कि इस रीजन में जो होगा n by z जो रेशियो है increases to gain stability। इस रीजन में ये होना चाहिए, तो इसमें कौन कौन सा प्रोसेस होगा, तो हम ऊपर से बोल सकते हैं कि इस केस में बीटा माइनस डीके होगा, फिर के कैप्चर भी हो, ठीक है, नहीं जो एलिमेंट्स हैं उसमें बीटा माइनस डीके होगा
और के कैप्चर होगा, ठीक है। तो इस पे डायरेक्टली सिंबोलिकल क्वेश्चन ही पूछते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन ही पूछते हैं, हमको याद नहीं रखना है कि कौन मॉलिक्यूल्स कैसे हो करता है। ऐसा कर देगा तो इस चीज को ध्यान रखना है कि किस रीजन में कैसा शो करे। सर जो सेकंड रीजन लिखे वहां पे बीटा माइनस लिखे कैसे होगा, वहां पे बीटा प्लस होगा ना? हाँ बीटा प्लस होगा, ठीक है, बीटा प्लस और के कैप्चर होगा, क्योंकि बीटा प्लस में जो है एक प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में बदल जा रहा है, यानी कि जेड है कि घट रहा है और ये बढ़ जा रहा है, तो रेशियो क्या हो जा रहा है, ओवरऑल बढ़ जा रहा है। जैसे 3 बाई अगर 5 है, इसमें से एक घट तो 4, तो 3/4 से 4/4 जो है ज्यादा है, तो रेशियो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें बीटा पॉजिटिव डीके और के कैप्चर होगा। स्टेबिलिटी कर्व समझ में है, हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस न्यूक्लियन के बारे में एक कर्व देखे थे, तो उसमें देखे थे जो हैवी न्यूक्लियाई है, जो स्टेबल है वो डिसइंटीग्रेट करेगा, अनस्टेबल है वो डिसइंटीग्रेट करेगा, यानी कि हैवी है तो छोटे छोटे में टूट के वो स्टेबल होना चाहेगा। जो लाइटर न्यूक्लियाई था वो जुड़ के क्या कहते हैं, स्टेबल होना चाहेगा, बड़े न्यूक्लियाई में फॉर्म करना चाहेगा, ठीक है। तो उस चीज को बोले थे हम लोग फिजन और फ्यूजन। तो फिजन एंड फ्यूजन हम लोग देखेंगे लास्ट में, फिलहाल इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस, फिर रेडियो एक्टिविटी के बारे में देखते हैं, ठीक है। तभी जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। कैलकुलेट क्यू वैल्यू, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही आसान रहते हैं कि अल्फा डीके हुआ है, बीटा डीके हुआ है, बताओ फाइनली क्या होगा, तो वो सब चीज हम नहीं करा रहे हैं, क्योंकि उसमें हम काउंटिंग करके लिख देना होता है। ठीक है, बस इक्वेशन लिख के बता दो, कैलकुलेशन करना उतना इतनी है, कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए डेल्टा एम क्या होगा, अगर वो लिख लिए तो काम हो जाएगा, तब हम जानते हैं कि लिख लेंगे। बोलो कैलकुलेशन के लिए दे रहे हैं, बाकी ऊपर सिंबोलिकली ही लिख के बताओ क्या होगा। सर फर्स्ट वाला में मास ऑफ ऑक्सीजन माइनस मास ऑफ फ्लोरीन माइनस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बीटा पॉजिटिव या बीटा नेगेटिव? बीटा एंटी न्यूट्रिनो है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हम किसको बोले थे, देखो बोलो, बीटा नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन हम क्या बोले थे, बीटा नेगेटिव है, तो ये बीटा नेगेटिव है, बीटा नेगेटिव में डेल्टा एम क्या बोले थे, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट सिर्फ, मास ऑफ ऑक्सीजन माइनस मास ऑफ फ्लोरिन सिर्फ यूज करना है, यस सर। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए दे दे रहे हैं, होमवर्क में कर लेना, बाकी अगर वो चीज कर लियो, मास सब पता चल गया है तो फिर एमसी स्क्वायर, यानी कि हम कर सकते हैं वो क्या कहते हैं 931.5 से, ये चीज रखा है 9.9840 यूनिट।
सेकेंड वाला क्या है? बीटा पॉजिटिव डीके। बीटा पॉजिटिव में क्या बोले कि ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन बोल रहे हैं, अल्मोनियम, अल्मोनियम, ठीक है, माइनस एमजी माइनस टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देंगे, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। सब तो हो जाता है, यहीं पे गड़बड़ होता है, ठीक है। डेल्टा एम आ गया तो हम क्यू वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस सब में क्यू वैल्यू में ही ज्यादा सोचना होता है, बाकी जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे वो डायरेक्टली दे देगा। जैसे चलो कर ही लेते हैं, हमको दे रखा है कि एक्स है यहाँ पे, जेड 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 कितना ले लें, चलो हम ऐसे ही अपने से कुछ भी ले ले रहे हैं 91, और इसको बोल देते हैं 198, ठीक है, कुछ भी है। बोल रहा है कि इट अंडरगोज डिकेज एज गिवन, ठीक है, जैसे दिया हुआ है वैसे डीके जा रहा है, यानी कि पहले अल्फा, फिर बीटा पॉजिटिव, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, फिर अल्फा, फिर गामा, फिर अल्फा, फिर बीटा नेगेटिव, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कि उसका जेड और ए क्या होगा? क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज दिए रहेंगे, ऑप्शन में भी वैसा ही दिया रहेगा, हम यहाँ पे आर्बिट्री कुछ भी ले रखें, सोच के बताओ क्या होगा। चलो साथ साथ बोलते जाओ, ठीक है, साथ साथ बोलो। 91 है, एक अल्फा डीके हुआ तो इसमें कितना सब्ट्रैक्ट होगा? 2, यानी कि हो जाएगा 89, ऊपर कितना होगा? ऊपर में सर 194, फिर बोल रहा है बीटा प्लस, बीटा प्लस में यानी कि उसमें क्या बढ़ता है बोलो सर? 89 हो जाएगा 90, हाँ, बीटा पॉजिटिव में एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा घटेगा ना, ये हो जाएगा, तो ये सेम रहेगा, बीटा पॉजिटिव है तो बीटा पॉजिटिव में क्या होता है? एक प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में बदलता है, माइनस होगा, 38 हो जाएगा। फिर से बोल रहा है कि बीटा पॉजिटिव है, यहाँ पे 87 हो जाएगा, ऊपर ये तो सेम ही रहेगा। फिर बोल रहा है बीटा माइनस है, तो बीटा माइनस में एक बढ़ जा रहा है, यानी कि 88 हो जाएगा, फिर ये 94 ही रहेगा, यानी कि फिर से ये बन गया।
फिर अल्फा हो रहा है, अल्फा में अब क्या होगा सर? ऊपर में 190 हो जाएगा। 190 ठीक है। फिर यहाँ से बोल रहा है गामा, गामा में क्या होता है? कुछ भी नहीं, एनर्जी का, एनर्जी ही सिर्फ होता है ना। यस ये यानी कि ये वाला चीज जो होगा एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड फॉर्म में होगा। यहाँ पे 86, 190 ही रहेगा, ये ग्राउंड स्टेट हो जाएगा। गामा का मतलब यही होता है। फिर यहाँ से बोल रहा है कि अल्फा, ये हो जाएगा 86 का 84, ये 186। फिर बोल रहे हाँ बोलो सर। फिर हो जाएगा 85 माइनस है, तो बढ़ जाएगा 85, ये 186। यानी पे जो भी वाई बना, ठीक है, ये चीज हमको फाइनल प्रोडक्ट मिला। तो ऐसे ऐसे सवाल दिए रहते हैं घुमा फिरा के कि ये चीज हुआ वो चीज हुआ, तो ऐसे हम चीज को देख के बताना होता है। तो ये सब सवाल तो इजी होते हैं, मेन दिक्कत होता है डेल्टा एम वाले में, क्योंकि दिक्कत उसमें भी नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, वैल्यू पुट करना होगा, लेकिन वैल्यूज देख के आधे लोग छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, वैल्यूज दिख रहा है, उसको जोड़ना घटाना गुना करना, यही चीज छोड़ के लोग, आधे लोग कहते हैं कि हमसे ना हो पाए। ठीक है, तो कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, कर लो, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं रेडियोएक्टिव डीके। ठीक है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट लॉ देखे थे कि यानी क्या क्या फॉर्म कर रहा है, नीचे न्यूक्लियाई के बारे में हम लोग अब देखेंगे कि कौन कितना न्यूक्लियाई था पहले, बाद में कितना न्यूक्लियाई बनेगा, उन सब चीजों के बारे में हम लोग अब देखेंगे। ऊपर था कि कोई भी अगर न्यूक्लियस है तो कैसे डीके हो रहा है, इसमें है कि अगर कोई एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में फॉर्म कर रहा है तो एक्टिव न्यूक्लियाई कितने थे, बाद में कुछ देर के बाद वो डिसइंटीग्रेट करते करते टाइम के साथ साथ वो कितने न्यूक्लियाई बची है। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं कि केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, यानी केमिकल काइनेटिक्स जो फर्स्ट ऑर्डर होता है वही चीज। अगर याद हो हम लोग लिखते थे अगर ए कोई भी बी से बनता है, ठीक है, तो टी इक्वल टू जीरो पे इसका कंसेंट्रेशन लिखते थे, यहाँ पे एन नॉट लिख रहे हैं, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ये पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ टाइम टी के बाद ये एन हो गया और ये कुछ एन डैश हो गया, तो यहाँ पे हम दे रहे हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कर रहा है एन, एन नॉट एट टी इक्वल टू जीरो, बाकी सब तुम लोग समझ सकते हो। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़े हो गए तो वहां पे ए से बी बनता था और वहां पे हम लोग कंसेंट्रेशन यूज करते थे, कंसेंट्रेशन ऑफ ए, कंसेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, ये चीज जो दिया गया था रदरफोर्ड ने दिया था, रदरफोर्ड एंड सॉडी, गिवन बाय रदरफोर्ड एंड सॉडी, साइंटिस्ट का नाम है। तो ये चीज हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि इसका रेट ऑफ कांस्टेंट, यानी कि रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब चीजें हम लोग पढ़ते थे। तो यहाँ पे ए जो है बी में डीके कर रहा है, ठीक है, ए जो है वो बी में डीके कर रहा है, तो यहां से हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, डीके का जो रेट है वो प्रोपोर्शनल होता है इसके नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, एन से प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि रेडियो एक्टिव डीके को अगर हम लोग लिखते हैं तो लिखते हैं डीएन बाई डीटी। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल टू एन है, यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो डीएन बाई डीटी हमारा लैम्डा इनटू एन। अब चूंकि ये डीके है घट रहा है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा लेते हैं,
ठीक है, वहां भी कंसेंट्रेशन है, घट रहा होता है, तो वहां पे हम लोग माइनस लगा लेते थे। वहां पे याद करो तो ऐसे लिखा गया होगा डी ए बाई डी टी इजकल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, सेम चीज दिख रहा है, हम ए को एन से रिप्लेस कर दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स जो लिखते थे हम लोग ऐसे लिखते थे, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ पे भी वही चीज। खैर, सब चीज सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम आएगा जो उधर आया था। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें टाइम के साथ, टाइम के फॉर्म में अगर हम देखना चाहते हैं कि कितना बचेगा, क्या होगा, तो देखो ध्यान से सॉल्व करने के लिए dN by N इजकल टू माइनस लेमडा डी टी कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। t इजकल टू जीरो से t इजकल टू जीरो पे था ये n नॉट, ये हो गया n। तो इधर हमको ln दिख रहा है, लिमिट पुट करेंगे तो n बाई एन नॉट आएगा और इधर आ जाएगा माइनस लेमडा t। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज बहुत बार आ चुका है इसलिए हम यहाँ पे कंजूसी कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं n इजकल टू, हमको दिख रहा है कि n नॉट e रेस टू पावर माइनस लेमडा t। ठीक है, ये था हमारा a का कंसेंट्रेशन, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ a आफ्टर टाइम t, जो बचेगा वही इतना बचेगा। वही फॉर b अगर लिखेंगे तो b के लिए था n डैश, ध्यान से देखो जितना इनिशियल था उतना तो बाद में रह गई, तो n प्लस n डैश n नॉट के बराबर होना चाहिए, तो n डैश कितना हो जाएगा, तो n नॉट माइनस n होगा। तो इसको अगर ध्यान से देखो तो ये हम लिख रहे हैं 1 माइनस e रेस्ट पावर माइनस लैम्डा। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए का अगर बात कर रहे हैं तो एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लेमडा टी आ रहा है और ये इतना आ रहा है। अगर दोनों का हम टाइम के साथ साथ कर्व बनाए, ठीक है, तो ये हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इधर टाइम। तो ए जो था पहले एन नॉट था और एन नॉट से वो घट रहा है, तो ऐसा जाएगा कुछ, ये ए के लिए है। बी जो है पहले जीरो था, यानी टी इजकल टू जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो आएगा और ये बढ़ता जाएगा। ये जो लाइन है एन नॉट का लाइन है, दोनों का सम जो होगा हमेशा बराबर होगा। ठीक है, यानी कि कंसेंट्रेशन ऑफ ए और कंसेंट्रेशन ऑफ बी जो तुम लोग ड्रॉ करते होगे वो भी ऐसा ही कर्व आता होगा। यहाँ भी वही चीज, ये चीज हम कर रहे हैं बी के लिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए, ए का घट रहा है, बी फॉर्म कर रहा है, इंफिनिटी पे बी पूरा हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहां सब एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को लिखते हैं टी वन बाई टू। हाफ लाइफ उसको बोलते हैं यानी कि आधा रिएक्ट न्यूक्लियाई जो है डिसोसिएट हो गया हो या फिर आधा बचा हो। ठीक है, यानी कि इट इज टाइम इन विच नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई जो है हाफ हो जाए, एक्टिव न्यूक्लियाई हाफ हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले एन नॉट था टी के बाद वो एन नॉट बाई टी हो गया, एन नॉट बाई टू हो गया। दिस इंप्लाइज दैट एन नॉट से रिड्यूस होके एन नॉट बाई टू हो गया। तो यूजिंग इक्वेशन, इक्वेशन अगर यूज करेंगे तो एन बराबर था एन नॉट टू पावर माइनस लेमडा टी, लेमडा में आप जो है कांस्टेंट है। ठीक है, लैम्डा जो है डीके कांस्टेंट बोलते हैं यहाँ पे, लैम्डा जो है डीके कांस्टेंट, वहां पे हम लोग रेट कांस्टेंट बोला करते थे, यहाँ पे हम लोग डीके कांस्टेंट बोलते हैं लैम्डा। ये एन क्या हो गया है, एन नॉट बाई टू, तो एन नॉट बाई टू रख लो, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो एन नॉट का डी एल एन वन बाई टू इजकल टू ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी दिख रहा है।
माइनस एल एन टू इजकल टू, अच्छा इधर भी एल एन आएगा, यहाँ पे माइनस लेमडा टी दिख रहा है, तो यहाँ से टी हमको दिख रहा है एल एन टू बाई लेमडा, तो इसी चीज को हम लोग हाफ टाइम बोलते हैं, टी वन बाई टू इजकल टू एल एन टू बाई लेमडा या फिर 0.693 बाई लेमडा। ये फॉर्मूला भी सेम आया है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, वहां भी टाइम फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के लिए यही आता था, यहाँ भी यही चीज आता है, ठीक है। तो बार बार हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन को केमिस्ट्री में भी रेडियो एक्टिविटी के नाम पे घुसा दिया जाता है या वहां से यहाँ भी घुसा सकता है, ठीक है। दोनों चीज सेम है, कहीं भी एक जगह पढ़ो दोनों जगह यूज करने आना चाहिए। एक चीज यूज होता है, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं 10 लोग हैं, 10 लोग, किसी का टोटल एवरेज लाइफ 40 साल है, किसी का 50 साल है, किसी का 70 साल है, ऐसे सबका लाइफ, ठीक है। तो अगर हमको एवरेज निकालना होगा तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबका ऐड करेंगे एज और टोटल नंबर जितने भी आदमी होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। तो वैसे ही यहाँ भी इसका अगर हमको एवरेज लाइफ निकालना होता है तो इसको हम टी एवरेज बोल रहे हैं, ये यही करते हैं, सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई जितने भी हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, डिवाइड कर, यानी कि इंटीग्रल ऊपर नीचे एन नॉट से आएगा, ये 0 से इन्फिनिटी तक, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आता है 1 बाई लेमडा। तो याद यही रखना है कि टी एवरेज जो होगा वो 1 बाई लेमडा होगा, ठीक है, टी एवरेज जो होगा वो 1 बाई लेमडा होगा। एक चीज और, चूंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग ये चीज नोट करके लिख सकते हैं कि अगर एन नॉट था तो फर्स्ट टी 1/2 में, फर्स्ट हाफ में, आफ्टर फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ लाइफ में ये इसका आधा हो जाएगा, फिर थर्ड में एन नॉट बाई 4 हो जाएगा, एन नॉट बाई 8 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ही चलता जाएगा। यानी कि अगर ध्यान से देखो, ये एन नॉट बाई 2, ये है एन नॉट बाई, ऐसे लिख लेते हैं 1/2 का स्क्वायर, ये है एन नॉट इन बाई 3 का क्यूब, यानी कि जितना टाइम कर रहा है उतना टाइम 1/2 का पावर होते जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि nth बोलेगा, ध्यान से अगर हम n बार बोल रहे हैं nth में, तो हो जाएगा एन नॉट इंटू 1/2 raised to power n, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, नहीं है इजी है, जब भी बोले इक्वेशन लगा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जितना भी चीजें हैं सब कुछ इजी टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। नेक्स्ट है एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी किसको कहेंगे, तो एक्टिविटी बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं ए से, एक्टिविटी है रेडियो एक्टिविटी, ए से डिनोट करते हैं रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके ऑफ न्यूक्लियाई। यानी कि ए को हम क्या बोल रहे हैं, जो ऊपर इक्वेशन में हम माइनस डीएन बाई डीटी जो हम यूज ये है वही चीज है, ए रेट तो यही था,
देखो यहाँ पे कहाँ गया, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, यही चीज यूज किए हैं, उसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिविटी। ठीक है, तो एक्टिविटी यहां से हमको क्या मिल जा रहा है, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू कितना, लैम्डा इनटू एन। ठीक है, किसी भी टाइम टी पे अगर हम बात करेंगे तो ये चीज आएगा, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी। किसी भी टाइम टी पे अगर हम बात करेंगे तो ये लैम्डा इनटू एन नॉट जो हो जाएगा इनिशियली एक्टिविटी बोल सकते हैं, इनिशियल एक्टिविटी। तो इस चीज को हम बोल सकते हैं इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, हियर ए नॉट हम क्या बोल रहे हैं, तो लैम्डा इनटू एन नॉट, इनिशियली रेट क्या था उस चीज को हम बोल रहे हैं इनिशियल एक्टिविटी ए नॉट। ठीक है, अभी इसका यूनिट जो है, यूनिट जो हम लोग यूज करते हैं, बेक्वेरेल ने ये सब खोजा था तो उन्हीं के नाम पे दे दिया गया था बेक्वेरेल। ठीक है, इसको BQ से लिखा जाता है। ठीक है, और ये फिर इट इज सेम एज पहला, सेकेंड यूनिट डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड यूनिट लिखते हैं डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, इसको लिखते हैं DPS। ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ये दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो 1BQ इक्वल टू 1DPS, दोनों में कोई इसके दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही चीज। ठीक है, 1 becquerel इक्वल टू 1DPS, दोनों चीज सेम ही है। थर्ड यूनिट जो यूज होता है कभी कभी वो है क्यूरी। ठीक है, क्यूरी ये ठीक है, एक्टिविटी का ये सब यूनिट यूज होता है। ऊपर वाला जब हम एन यूज करते हैं ये यूनिट नहीं। ठीक है, यहाँ पे ए यूनिट, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो इस बार एक क्वेश्चन देख रहे हैं नंबर यूनिट नहीं है, तो लैम्डा का यूनिट और ए नॉट का यूनिट सेम है। नोट करके देख लो कि यूनिट ऑफ लैम्डा सेम। ठीक है, दोनों का यूनिट सेम है, क्योंकि ऊपर दिख रहा है ए नॉट जो है नंबर ऑफ रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, और एक्टिविटी यूनिट दोनों सेम ही आता है। और इससे रिलेटेड होगा फॉर्मूला बेस्ड होता है चैप्टर में, क्वेश्चन ऑन लगभग फॉर्मूले थोड़ा बहुत घुमाने रहता है, तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स जो पढ़ा हुआ रहता है उससे कुछ नहीं चाहता, इसलिए घुमाता नहीं तो इन्हें जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं इनसे बेस्ट। हेलो, यस सर, स्क्रीन गायब हो गया था ना। हाँ ठीक है, बाय।
ब्लैक ही दिख रहा है सर। आ गया कुछ भी नहीं है अभी। आ गया सर। ठीक इस पे कुछ क्वेश्चन हैं। किसी भी रेडियोएक्टिव सैंपल है, लेकिन सबका क्वेश्चन ही बहुत लंबा होता है। रेडियोएक्टिव सैंपल है, ठीक है, जिसमें 6.0 × 10⁻¹⁸ एक्टिव न्यूक्लियाई है। ठीक है, इतना एक्टिव न्यूक्लियाई है किसी भी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट। अब हमसे कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर टू हाफ लाइफ्स। ठीक है, दो हाफ लाइफ के बाद कितना है एक्टिव न्यूक्लियाई बचेगा वो हमको पता। बोलो, इसका तो क्वेश्चन है। हो गया पहला। बोलो, हेलो, फर्स्ट में क्या कर रहा है कि ये एक्टिव न्यूक्लियाई है, दो हाफ लाइफ के बाद बताना है। तो हम बोले थे कि एन नॉट है, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई टू, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई फोर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर ध्यान से देखो। तो आंसर हो जाएगा हमारा 6 × 10⁻¹⁴। ठीक है, तो 1.5 × 10⁻¹⁸, ये हो जाएगा ना। ठीक है, एंड करो। हो गया,
हेलो सर, सेकंड वाला में a इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू नंबर ऑफ मींस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मोल निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मतलब कि न्यूक्लियाई. ठीक है, मोल निकल जाएगा. एक मोल में कितने निकले है तो एवोगैड्रो नंबर जितना. यस सर, कैलकुलेशन ज्यादा है, प्रोसेस ही बता दो. ठीक है ठीक है. जैसे अगर हमको लैम्डा दिख रहा है तो हमको फाइंड द एक्टिविटी, तो एक्टिविटी जो होता है लैम्डा इनटू एन होता है. ठीक है, तो हमको एन यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फाइंड करना पड़ेगा. तो एन कितना होगा, तो मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, क्या है रो नंबर. ठीक है, एवोगैड्रो नंबर जो कि होता है इक्वल टू 6. अप्रोक्सीमेशन में 6 × 10⁻²³ ही ले लेते हैं, इतना होता है. मोल कैसे फाइंड करोगे, तो मोल इज इक्वल टू वेट दे ही रखा है 1 ग्राम सैंपल के लिए, तो और −6/63.5 ये हो जाएगा मोल. एवोगैड्रो नंबर से मल्टीपल करेंगे, ए से मल्टीपल करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, कैलकुलेशन कर सकते हो. यस सर. ठीक है, ऐसे से सवाल रहते हैं. इससे क्वेश्चन ऐसा है, टी 1/2 दे रखा है कि 2.7 डेज है. ठीक है, इतना डेज किसके लिए है, तो गोल्ड का है 196 इसके लिए. ठीक है, गोल्ड 196 है, इसके लिए हाफ लाइफ डेज इतना दे रखा है. बोल रहा है फाइंड फर्स्ट लैम्डा, सेकंड एवरेज लाइफ, थर्ड ठीक है थर्ड वही है ऊपर वाला क्वेश्चन, एक्टिविटी ऑफ 1 mg गोल्ड एटॉमिक वेट दे रखा है 198 ग्राम पर मोल. ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे ये सिर्फ बता दो, बाकी सॉल्यूशन तो कर सकते हैं. सर लैम्डा तो इजी है सर, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.6 बाय लैम्डा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. देखो डेज में है तो इसको हमको किसमें करना पड़ेगा, सेकंड में डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड डेज पर डे आ जाएगा. लैम्डा का होता है टाइम इनवर्स डीपीएस डिफ्यूजन पर सेकंड, यानी कि उसका यूनिट जो होगा टी माइनस वन ही होगा, तो डे में आएगा. तो ऐसे लिखेंगे, ऑप्शन सेकंड में दिया हो उसको कन्वर्ट करना हो देंगे इनटू 60 × 60 सेकंड हो जाएगा, कर सकते हो. सेकंड टी एवरेज ये भी आसान है, टी एवरेज होता है 1/λ. ठीक है, 1/ ऊपर हम लोग फाइंड कर रहे ही हैं, तो 1/λ अगर लिखोगे तो हो जाएगा 2.7/0.93 डे. ठीक है, ये हमारा एवरेज हो जाएगा. थर्ड एज अबव ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन जैसा है वैसा ही थर्ड है. ठीक है, इसमें कह रहा है कि कोई एक न्यूक्लियाई ए है वो बी में फॉर्म कर रहा है. ठीक है, और साथ में बी भी रेडियो एक्टिव है और वो सी में फॉर्म कर रहा है. ठीक है,
यानी कि ए जो है बी में फॉर्म कर रहा है और बी जो है सी में, बी भी रेडियो एक्टिव है वो सी में किसी में फॉर्म कर रहा है। ये जो फर्स्ट है इसका रेट कांस्टेंट डीके कांस्टेंट लैम्डा ए है, इसका डीके कांस्टेंट लैम्डा बी है, ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट डीके के लिए लैम्डा ए, सेकंड के लिए लैम्डा बी, ठीक है। एट एनी टाइम ये जो है एन ए है और ये जो है एन बी है, किसी समय पे बोल रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए जो है वो एन ए है और फॉर बी जो है वो एन बी, ठीक है। इतना बात क्लियर है? तो सवाल ये है कि फाइंड कंडीशन सो डेट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी, ठीक है, बी का जो न्यूक्लियाई है वो बिकम्स कांस्टेंट, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी जो है वो कांस्टेंट रहे, ऐसा कंडीशन फाइंड करना है। इस कंसेक्यूटिव रिएक्शन बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स के टर्म में, ए से बी, बी से सी वैसे चलते जाता है। तो बोले भी थे कल केमिकल काइनेटिक्स एक बार देख के आना, सिंपल सा है, अभी भी दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। बी के न्यूक्लियाई कांस्टेंट होने चाहिए, तो कांस्टेंट कब आएगा? जब इनपुट और आउटपुट बराबर हो जाए। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी जो एसोसिएशन के बराबर हो जाए तभी पॉसिबल है। यहां से हमको क्या मिल रहा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन बी जो है वो इक्वल टू हो जाए रेट ऑफ एन ए बाई एन ए बाय ई, एन ए बाई ई नहीं, पता नहीं कैसे सॉल्व क्यों रिलेशन आएगा इसमें लैम्डा है एन ये सब में, सर उसमें के टू बाई के वन करके करते थे, उसमें लैम्डा टू बाई लैम्डा वन करके करेंगे ना, हाँ उसका टू दी पावर के टू बाय के वन माइनस के टू होता था, तो उसमें लैम्डा टू माइनस लैम्डा टू बाय लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू करके कुछ आता था, पता नहीं उसमें कैसे क्या है, देख लो कहीं सिंपलीफाई करके ये आए, क्योंकि वहां पे तो शायद जनरल बताया जाता है कि किसी भी इक्वेशन के लिए रहेगा तो कैसे यूज करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर सब, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली सा सिंपल सा रिलेशन दे रहे हैं कि अगर बी का जो कंसंट्रेशन है सेम रहे किसी टाइम टी पे, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, यानी कि जिस रेट से ए रिएक्शन कर रहा है वही फॉर्मेशन ऑफ बी होता है। ये हम लिख सकते हैं डी एन ए बाई डी टी जो होगा वो डी एन बी बाई डी टी होगा, ये कितना होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको लेमडा ए इंटू एन ए और ये जो होगा इक्वल टू लेमडा बी इंटू एन बी, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो ये इक्वल रहेगा। ठीक है, तुम सॉल्व किए होगे तो शायद किसी भी इनिशियल स्टेट दिया होगा फाइनल स्टेट के लिए उसमें सॉल्व कराया गया होगा। ये बोल रहे हैं कि किसी भी टाइम टी पे अगर ऐसा है तो क्या रिलेशन है वो पता करना है, और शायद तुम जो बता रहे हो वो इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है और उसमें से फाइनल कंडीशन में पता करने के लिए शायद सॉल्व किया हो, ठीक है।
हम लोग को ऐसा कुछ नहीं पूछता है, इजी पूछते हैं हम लोग से। ये भी याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है कि अगर ऐसा कुछ रहा तो ये चीज यूज कर लेंगे। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं ये भी याद रखना है हमको। ये कह रहा है कि एक न्यूक्लियर ए है, ए से बी फॉर्म कर रहा है, बी से सी फॉर्म कर रहा है, इसको हम लेमडा वन बोल रहे हैं, इसको लेमडा टू बोल रहे हैं। ए से बी के लिए हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ टी वन है, इसके लिए हाफ लाइफ टी टू है, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टी वन है, सेकेंड के लिए हाफ लाइफ टी टू है, तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड हाफ लाइफ, फाइंड इफेक्टिव हाफ लाइफ, इफेक्टिव हाफ लाइफ, ठीक है। यानी कि ए से बी बन रहा है तो उसका हाफ लाइफ टी वन है, ए से सी बन रहा है उसका हाफ लाइफ टी टू है, तो इफेक्टिव हाफ लाइफ टी क्या होगा, ठीक है। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर याद हो तो बता सकते हो। इस वाले में याद हो तो बोलो इफेक्टिव लेमडा क्या बोलते थे, वहीं से सॉल्यूशन हो जाएगा। बोलो इफेक्टिव लेमडा इज इक्वल टू क्या आता था, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट हम लोग लेमडा वन प्लस लेमडा टू लिखते हैं, ठीक है। इस चीज को भी याद रखना है, अगर नहीं याद है वहां से तो इसको याद रखना है। उसके बाद टी वन लिखेंगे, तो लिखेंगे एल एन टू बाई लेमडा वन, टी टू लिखेंगे तो लिखेंगे एल एन टू बाई लेमडा टू, तो अगर हम टी लिखेंगे तो लिखेंगे एल एन टू बाई लेमडा। तो ऊपर वाले रिलेशन से ध्यान से देखो, लेमडा वन प्लस लेमडा टू जो है लेमडा है, तो यहां से दिख रहा है वन बाई टी इक्वल टू वन बाई टी वन प्लस वन बाई टी टू, इस रिलेशन को भी याद रखना है, ठीक है। इन सब रिलेशंस को याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे इक्वेशंस जो भी हम लोग अभी पढ़े वो केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर है, तो वहां पे जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसको एक बार रिवीजन कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस में वहां से यहाँ मिलाकर पूछा जाता है, ठीक है। सिंपली अगर इस कंसेप्ट का पूछा जाए तो इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन तो दो तीन टॉपिक को मिला के दे दिया जाता है, ठीक है, तो वहां से भी इसमें ऐड किया जा सकता है, इसलिए केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर भी यहाँ पे रिवीजन कर लेना है, ठीक है। इसको रिवीजन करना, इसके बाद हम लोग को इस चैप्टर में छोटा छोटा टॉपिक दो चीज पर बच गया है, एक तो फ्यूजन और एक फ्यूजन, यानी फ्यूजन फ्यूजन कौन से रिएक्शन होते हैं वो चीज, और फिर मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है वो सब चीजें, कि कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो उसके लिए एक बार एनसीईआरटी नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना,
ठीक है, तो फ्यूजन और फ्यूजन वाले में जो भी रिएक्शन होंगे उसको याद करने हमको, डायरेक्टली क्वेश्चन उससे पूछ देता है डायरेक्टली कि रिएक्शन लिखो, और बोर्ड में ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर रिएक्टर वाले में भी हम लोग को सिंपल सिंपल सा बस कंस्ट्रक्शन मतलब भी नहीं पढ़ना है, क्या क्या यूज होता है, क्यों यूज होता है, वो सब चीजें देखना है। तो उस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग का ये खत्म हो जाएगा। तो मॉड्यूल जो है हम लोग का उसको पूरा कंप्लीट करो। मोस्टली 60% तो हो ही गया था, होमवर्क दिए थे, जो बाकी बच ही गया है उसको कंप्लीट करो, और जहां भी पूरे मॉडर्न फिजिक्स को सॉल्व करो। ठीक है, और सैटरडे छुट्टी से पहले जो एक क्लास बच रहा है हम लोग को, उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो भी डाउट रहेगा। ठीक है, यानी कल हम लोग का खत्म हो जाएगा, परसों वाले क्लास में जो भी न्यूक्लियर फिजिक्स में जहाँ भी दिक्कत रहेगा उस चीज को खत्म कर लेंगे, और छुट्टी के बाद से फिर सेमीकंडक्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का बच जाएगा सेमीकंडक्टर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, 3 चैप्टर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। किसी कोई दिक्कत नहीं, फिर एंड कर रहे हैं।